देवालय निर्माण से प्राप्त होने वाले फल आदि का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुनिवर वशिष्ठ, भगवान वासुदेव आदि विभिन्न देवताओं के निमित्त मंदिर का निर्माण कराने से जिस फल आदि की प्राप्ति होती है, अब मैं उसी का वर्णन करूंगा। जो देवता के लिए मंदिर, जलाशय आदि के निर्माण कराने की इच्छा करता है, उसका वो शुभ संकल्प ही उसके हजारों जन्मों के पापों का नाश कर देता है। जो मन से भावना द्वारा श्री, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किसी दूसरे के द्वारा बनवाए जाते हुए मंदिर के निर्माण कार्य का अनुमोदन मात्र कर देते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त हो उन अच्युत देव के लोक वैकुंठ अथवा गोलोक धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त मंदिर का निर्माण करके मनुष्य अपने भूतपूर्व तथा भविष्य में होने वाले 10,000 कुलों को तत्काल विष्णु लोक में जाने का अधिकारी बना देता है। श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण करने वाले मनुष्य के पितर नरक के क्लेशों से तत्काल छुटकारा पा जाते हैं और दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो बड़े हर्ष के साथ विष्णु धाम में निवास करते हैं। देवालय के निर्माण ब्रह्महत्या आदि पापों के पुंज का नाश करने वाला है। यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है, वो भी देवालय का निर्माण कराने मात्र से प्राप्त हो जाता है। देवालय का निर्माण करा देने पर समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। देवता, ब्राह्मण आदि के लिए रणभूमि में माने जाने वाला धर्मात्मा, शूरवीरों को जिस फल आदि की प्राप्ति होती है, वही देवता के निर्माण से भी सुलभ होती है। कोई शठता कंजूसी के कारण धूल मिट्टी से भी देवालय बनवा दे तो वो उसे स्वर्ग या दिव्य लोक प्रदान करने वाला होता है। एकायतन एक ही देव विग्रह के लिए एक कमरे का मंदिर बनवाने वाले पुरुष को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। त्रायतन मंदिर का निर्माता ब्रह्मलोक में निवास पाता है। पंचायतन मंदिर का निर्माण करने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है और अष्टायतन मंदिर के निर्माण से श्रीहरि की सन्निधि में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो षोडशायतन मंदिर का निर्माण कराता है, वो भोग और मोक्ष दोनों पाता है। श्रीहरि के मंदिर की 3 श्रेणियां हैं, कनिष्ठ, मध्यम और श्रेष्ठ। इनका निर्माण कराने से कम क्रमशः स्वर्गलोक, विष्णुलोक तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। धनी मनुष्य भगवान विष्णु का उत्तम श्रेणी का मंदिर बनवाकर जिस फल को प्राप्त करता है, उसे ही निर्धन मनुष्य निम्न श्रेणी का मंदिर बनवाकर भी प्राप्त कर लेता है। धन उपमार्जन कर उसमें से थोड़ा सा ही खर्च करके यदि मनुष्य देव मंदिर बनवा ले तो बहुत अधिक पुण्य एवं भगवान का वरदान प्राप्त करता है। 1,00,000 या 1,000 या 100 अथवा उसका आधा 50 की मुद्रा ही खर्च करके भगवान विष्णु का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य उस नित्य धाम को प्राप्त होता है जहां साक्षात गरुड़ की ध्वजा फहराने वाले भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। जो लोग बचपन में खेलते समय धूलि से भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं, वे भी उनके धाम को प्राप्त होते हैं। तीर्थ में, पवित्र स्थान में, सिद्ध क्षेत्र में तथा किसी आश्रम पर जो भगवान विष्णु का मंदिर बनवाते हैं, उन्हें अन्यत्र मंदिर बनाने का जो फल बताया गया है, उससे 3 गुना अधिक फल मिलता है। जो लोग भगवान विष्णु के मंदिर को चूने से लिपाते और उस पर बंदूक के फूल का चित्र बनाते हैं, वे अंत में भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। भगवान का जो मंदिर गिर गया हो, गिर रहा हो अथवा आधा गिर चुका हो, उसका जो मनुष्य जीर्णोद्वार कराता है, वो नवीन मंदिर बनवाने की अपेक्षा दूना पुण्य फूल प्राप्त करता है। जो गिरे हुए विष्णु मंदिर को पुनः बनवाता है और गिरे हुए की रक्षा करता है, वो मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त करता है। भगवान के मंदिर की ईंटें जब तक रहती हैं, तब तक उसका बनाने वाला विष्णु लोक में कुल सहित प्रतिष्ठित होता है। इस संसार में और परलोक में वही पुण्यवान और पूजनीय है। जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाता है, वही पुण्यवान उत्पन्न हुआ है, उसी ने अपने कुल की रक्षा की है। जो भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और देवी आदि का मंदिर बनवाता है, वही इस लोक में कीर्ति का भागी होता है। सदा धन की रक्षा में रहने वाले मूर्ख मनुष्य को बड़े कष्ट से कमाए हुए अधिक धन से क्या लाभ हुआ, यदि वो उससे श्री कृष्ण का मंदिर ही नहीं बनवाता, जिसका धन पितरों, ब्राह्मणों और देवताओं के उपयोग में नहीं आता तथा बंधु बांधव के भी उपयोग में नहीं आ सका, उसके धन की प्राप्ति व्यर्थ हुई। जैसे प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार कमाए हुए धन का नाश भी निश्चित है। मूर्ख मनुष्य ही क्षणभंगुर जीवन और चंचल धन के मोह में बंधा रहता है। जब धन दान के लिए, प्राणियों के उपभोग के लिए, कीर्ति के लिए और धर्म के काम के लिए नहीं लाया जा सके, तो उस धन का मालिक बनने से क्या लाभ है।
इसलिए प्रारब्ध से मिले अथवा पुरुषार्थ से किसी भी उपाय से धन को प्राप्त कर उसे उत्तम ब्राह्मणों को दान दे अथवा कोई स्थिर कीर्ति बनवावे। क्योंकि दान और कीर्ति से भी बढ़कर मंदिर बनवाना है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य विष्णु आदि देवताओं का मंदिर आदि बनवावे। भक्तिमान श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा यदि भगवान के मंदिर का निर्माण और उसमें भगवान का प्रवेश स्थापना आदि हुआ तो ये समझना चाहिए कि उसने समस्त चराचर त्रिभुवन को रहने के लिए भवन बनवा दिया। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी भूत, वर्तमान, भविष्य, स्थूल, सूक्ष्म और इससे भिन्न है वो सब भगवान विष्णु से प्रकट हुआ है। उन देवाधिदेव सर्वव्यापक महात्मा विष्णु का मंदिर में स्थापन करके मनुष्य पुनः संसार में जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार विष्णु का मंदिर बनवाने में फल बताया गया है, उसी प्रकार अन्य देवताओं शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, दुर्गा और लक्ष्मी आदि का भी मंदिर बनवाने से मंदिर बनवाने से अधिक पुण्य देवता की प्रतिमा बनवाने में। देव प्रतिमा के स्थापना संबंधी जो यज्ञ होता है उसके फल का तो अंत नहीं हो सकता। कच्ची मिट्टी की प्रतिमा से लकड़ी की प्रतिमा उत्तम है, उससे ईंट की, उससे भी पत्थर की और उससे भी अधिक सुवर्ण आदि धातुओं की प्रतिमा का फल है। देव मंदिर का प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों के लिए किए हुए पाप का नाश हो जाता है तथा बनवाने वाले मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी होता है, वो नरक में नहीं जाता। इतना ही नहीं, वो मनुष्य अपनी 100 पीढ़ी का उद्धार करके उसे विष्णु लोक में पहुंचा देता है। यमराज ने अपने दूतों से देव मंदिर बनवाने वालों को लक्ष्य करके ऐसा कहा था। यम बोले, देवालय और देव प्रतिमा का निर्माण तथा उसकी पूजा आदि करने वाले मनुष्यों को तुम लोग नरक में न ले जाना, तथा जो देव मंदिर आदि नहीं बनवाते उन्हें खास तौर पर पकड़ कर लाना। जाओ तुम लोग संसार में विचरो और न्यायपूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करो। संसार के कोई भी प्राणी कभी तुम्हारी आज्ञा नहीं टाल सकेंगे। केवल उन लोगों को तुम छोड़ देना जो कि जगत पिता भगवान अनंत की शरण में जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों की स्थिति यहाँ यमलोक में नहीं होती। संसार में जहाँ भी भगवान में चित्त लगाए हुए, भगवान की ही शरण में पड़े हुए भगवत दत्ता महात्मा सदा भगवान विष्णु की पूजा करते हो, उन्हें दूर से ही छोड़कर तुम लोग चले आना। जो स्थिर होते, सोते, चलते, उठते, गिरते, पड़ते या खड़े होते समय भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग देना। जो नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं, उनकी ओर तुम लोग आंख उठाकर भी देखना नहीं, क्योंकि भगवान का व्रत करने वाले लोग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। जो लोग फूल, धूप, वस्त्र और अत्यंत प्रिय आभूषणों द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, उनका स्पर्श न करना, क्योंकि वे मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के धाम को पहुंच चुके हैं। जो भगवान के मंदिर में लेप करते या बुहारी लगाते हैं, उनके पुत्रों को तथा उनके वंश को भी छोड़ देना। जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया हो उनके पुत्रों की तथा उनके वंश को भी छोड़ देना। जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया हो उनके वंश में 100 पीढ़ी तक के मनुष्यों की ओर तुम लोग बुरे भाव से ना देखना। जो लकड़ी का, पत्थर का अथवा मिट्टी का ही देवालय भगवान विष्णु के लिए बनवाता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करने वाले को जो महान फल मिलता है उसी फल को जो विष्णु का मंदिर बनवाता है वो भी प्राप्त करता है। जो भगवान चित्त का मंदिर बनवाता है वो अपनी बीती हुई 100 पीढ़ी के पितरों को तथा होने वाले 100 पीढ़ी के वंशजों को भगवान विष्णु के लोक में पहुंचा देता है। भगवान विष्णु सप्तलोकमय है, उनका मंदिर जो बनवाता है वो अपने कुल को तारता है, उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति कराता है और स्वयं भी अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। मंदिर में ईंट के समूह का जोड़ जितने वर्षों तक रहता है उतने ही 1000 वर्षों तक उस मंदिर के बनवाने वाले की स्वर्गलोक में स्थिति होती है। भगवान की प्रतिमा बनाने वाले विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं, उसकी स्थापना करने वाला भगवान में लीन हो जाता है और देवालय बनवाकर उसमें प्रतिमा की स्थापना करने वाला सदा भगवान के लोक में निवास पाता है। अग्निदेव बोले, यमराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर यम के दूत भगवान विष्णु की स्थापना आदि करने वालों को यमलोक में नहीं ले जाते। देवताओं की प्रतिष्ठा आदि की विधि का भगवान हयग्रीव ने ब्रह्मा जी से वर्णन किया था। विष्णु आदि देवताओं की स्थापना के लिए भूपरिग्रह का विधान। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन अब मैं विष्णु आदि देवताओं की प्रतिष्ठा के विषय में कहूंगा, ध्यान देकर सुनिए। इस विषय में मेरे द्वारा वर्णित पंचरात्रों एवं सप्तरात्रों का ऋषियों ने मानव लोक में प्रचार किया है।
वे संख्या में 25 हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, आदि है शीर्ष तंत्र, त्रैलोक के मोहन तंत्र, वैभव तंत्र, पुष्कर तंत्र, प्रहलाद तंत्र, गार्ग्य तंत्र, गालव तंत्र, नारदीय तंत्र, श्री प्रसद तंत्र, शांडिल्य तंत्र, ईश्वर तंत्र, सत्य तंत्र, शौनक तंत्र, वरिष्ठोक्त ज्ञान सागर तंत्र, स्वयंभुव तंत्र, कापिल तंत्र, तराक्ष गारुड़ तंत्र, नारायणीय तंत्र, आत्रेय तंत्र, नारसिंह तंत्र, आनंद तंत्र, आरुण तंत्र, बौधायन तंत्र, अष्टांग तंत्र और विश्व तंत्र। इन तंत्रों के अनुसार मध्य देश आदि में उत्पन्न द्विज देव विग्रहों की प्रतिष्ठा करी। कच्छ देश, कावेरी तटवर्ती देश, कोंकण, कामरूपी, कलिंग, कांची, कांची तथा काश्मीर देश में उत्पन्न ब्राह्मण देव प्रतिष्ठा आदि न करें। आकाश, वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी, ये पंच महाभूत पंच रात्र हैं, जो चेतना शून्य एवं ज्ञान अंधकार से आच्छन्न हैं। वे पंच रात्र से रहित हैं। जो मनुष्य ये धारणा करता है कि मैं पाप मुक्त परम ब्रह्म विष्णु हूँ, वो दैशिक होता है। वो समस्त प्राय लक्षणों, वेश आदि से हीन होने पर भी तंत्रवेत्ता आचार्य माना गया है। देवताओं की नगराभिमुख स्थापना करनी चाहिए, नगर की ओर उनका पृष्ठभाग नहीं होना चाहिए। कुरुक्षेत्र, गया आदि तीर्थ स्थानों में अथवा नदी के समीप देवालय का निर्माण कराना चाहिए। ब्रह्मा का मंदिर नगर के मध्य में तथा इंद्र का पूर्व दिशा में उत्तम माना गया है। अग्निदेव तथा मातृकाओं का आग्नेय कोण में, भूतगण एवं यमराज का दक्षिण में, चंडिका, पितृगण एवं दैत्यादि का मंदिर नैऋत्य कोण में बनवाना चाहिए। वरुण का पश्चिम में, वायुदेव और नाग का वायव्य कोण में, यक्ष या कुबेर का उत्तर दिशा में, चंडिश महेश का ईशान कोण में और विष्णु का मंदिर सभी ओर बनवाना श्रेष्ठ है। ज्ञानवान मनुष्य को पूर्ववर्ती देव मंदिर को संकुचित करके अल्प, समान या विशाल मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। किसी देव मंदिर के समीप मंदिर बनवाने पर दोनों मंदिरों की ऊंचाई के बराबर दोगुनी सीमा छोड़कर नवीन देव प्रासाद का निर्माण करावे। विद्वान व्यक्ति दोनों मंदिरों को पीड़ित ना करे। भूमि का शोधन करने के बाद भूमि परिग्रह करे। तदनंतर प्राकार की सीमा तक माश, हरिद्राचूर्ण, खील, दधि और सक्तु से भूत बलि प्रदान करे। फिर अष्टाक्षर मंत्र पढ़कर आठों दिशाओं में सक्तु बिखेरते हुए कहे, इस भूमिखंड पर जो राक्षस एवं पिशाच आदि निवास करते हूं, वे सब यहां से चले जाएं। मैं यहां श्रीहरि के लिए मंदिर का निर्माण करूंगा। फिर भूमि को हल से जुतवा कर गोचारण करवाएं। 8 परमाणु का रथरेणु माना गया है। 8 रथरेणु का त्रसरेणु माना जाता है। त्रसरेणु का बालाग्र तथा 8 बालाग्र की लिक्षा कही जाती है। 8 लिक्षा की युका, 8 युका का यौ मध्यम, 8 यवन का अंगुल, 24 अंगुल का कर और 28 अंगुल का पद्महस्त होता है।